इतना पूर्वक होकर आप बच्चों मुझे करना मुझे लगता है भाई हमसे आपको नहीं पता हम पर रहेंगे अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इसको सूचित करेंगे समाज में हमारा भी कर्तव्य है। मसूरी में भड़का मुस्लिमों का आक्रोश, मस्जिद में अभद्रता पर जताई नाराजगी। दो युवकों पर लगाया अभद्रता का आरोप, थाने पहुंचकर की शिकायत। नशे की हालत में किसने की मसूरी का माहौल खराब करने की कोशिश। पुलिस ने कही कार्रवाई की बात, मुकदमा दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार देर शाम उस समय बवाल मच गया जब लाइब्रेरी मस्जिद में नमाज के दौरान नशे की हालत में दो युवक घुस गए और बदतमीजी करने लगे। आरोप है कि दोनों युवकों ने मस्जिद में मुस्लिम समाज के खिलाफ अपशब्द कहा और गाली गलौज किया। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा और देर रात को ही मुस्लिम समाज के लोगों ने मसूरी कोतवाली पहुंचकर दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लाइब्रेरी मस्जिद में ईशा की नमाज के वक्त कोई दो लड़के गैर मुस्लिम थे, वो तो उन्होंने अंदर जाके बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, उन्होंने मारने मारने की धमकी भी दी है। बाद में जब उन्होंने देख लिया कि ये वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ जोड़ने माफ़ी मांगने लग गए, वो है ये है। हमने अपनी कार्रवाई पूरी करी ताकि माहौल ख़राब ना हो जाए, शहर का माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आगे भी रहेगा, इससे पहले भी था। हम नहीं चाहते यहाँ कुछ माहौल खराब हो जाए। पुलिस ने आक्रोशित मुस्लिम समाज को समझाकर शांत कराया, साथ ही शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई भी की। पुलिस ने मुस्लिम समाज की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि दूसरे आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी की तबीयत ठीक होने के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दो लड़के कपिल राणा और अनिकेत अग्रवाल नशे की हालत में थे, जो मस्जिद में बगल लाइब्रेरी चौक के पास मस्जिद है उसमें चले गए थे, तो अपनी माफ़ी मांगी थी, उसी में उन आपस में दोनों पक्षों के बीच में, दो समुदाय के बीच में थोड़ा कहासुनी हो गई थी, तो उसमें दोनों पक्षों ने आज आपस में बैठ के मिल बैठ के निपटा लिया है। लेकिन फिर भी हमने जो अनिकेत अग्रवाल है उसको शांति व्यवस्था भंग होने के अंदेशा में एक से अरेस्टिंग कर ली है, और दूसरा जो है उसकी काफ़ी तबीयत खराब होगी रात, तो वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे वो आता है उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने नशे की हालत में ऐसा किया है, वहीं कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मुस्लिम समाज का गुस्सा शांत हो गया है। मुस्लिम समाज का कहना है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से बनी रही है, यहाँ किसी भी कीमत पर माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बता दें कि हाल ही में मसूरी में थूक जिहाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चाय बेचने वाला एक मुस्लिम युवक चाय के बर्तन में थूकता हुआ नजर आ रहा था। इस वायरल वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला था, साथ ही मुस्लिम समाज ने भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की थी। हालांकि अब गैर मुस्लिम युवकों द्वारा मस्जिद में घुसकर अभद्रता करने को लेकर मुस्लिम समाज भी खासा नाराज है और माहौल बिगाड़ने वालों को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।